हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो और आ चुके हैं यहाँ पर यहाँ पर ऑपरेटर का गंदा खेल एक लाख रुपए को बयालीस लाख रुपए एक साल के अंदर अंदर बना दिया और एक साल भी नहीं कहूंगा मैं बहुत जल्दी यहां पर चेंज होते हुए दिखाई दिए हैं आंकड़े और इस तरीके से ऑपरेटर ने खेम खेला है कि इन्वेस्टर्स को तो कुछ नहीं मिला रिटेल इन्वेस्टर्स को बाकी पैसा जिन्होंने बनाया है वो है केवल ऑपरेटर तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा सीखने का मौका मिलेगा बाकी ट्रेड की वीडियो देख प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए पैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है और सपोर्ट करे जितना हो सकता है हमें अब बात करते हैं इस वीडियो में आई से रिलेटेड आई देखिए तो आज के में एक अच्छी खासी गिरावट लगभग पच्चीस अच्छा खासा ये शेयर गिरता के कि लगभग कितने रुपए तक आता साढ़े छे सौ रुपए के आसपास रुपए के आसपास करते हुए दिखाई देंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करें और सपोर्ट जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करे व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया हुआ है अगर हमारी पर्सनल सर्विसेज आपको चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पिंग कर सकते हैं हमें WhatsApp पे तो हम वहां पर जाके आपके लिए पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक्स भी बताते हैं तो सब चीज यहाँ पर की जाती है चलिए आइए वीडियो की तरफ आई में अगर हम देखें आज की डेट में तो आज की डेट में देखिए लगभग आठ करोड़ ओके अट्ठाईस लाख अड़तालीस हजार तीस शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए थे बट उसमें सेवल सत्रह परसेंट एक करोड़ चौबालीस लाख शेयर ही यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं वीक हाई की बात करूं तो यहाँ पर देखिए बारह सो अस्सी रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था और दो इसका लो 58, 58 है तो अगर हम बात करें ये अभी स्प्लिट हुआ है इस वजह से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं चेंज होते हुए तो आई में ऐसा क्या हुआ कि अगर हम देखें तो यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद ये शेयर आज की डेट में अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया और इसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मानिएगा क्योंकि बहुत जल्दी ये शहर दोबारा यहाँ पर आने वाला है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर आने वाला है तो इसके पीछे का रीजन है तो देखिए कल की डेट में यह हुआ था कि आई अगर आप यहाँ पर डालेंगे बिना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई के साथ हुआ क्या है यहाँ पर देखिए रेलवे मिनिस्टर टेक्स अ बिग डिसीजन देन कैंसिल इट इन 19 आवर्स तो इन्होंने क्या डिसीजन लेता हुआ नजर आया था इसमें से ये हुआ था कि जो इनके टिकटिंग ऑनलाइन टिकटिंग के बिजनेस से जो भी रिवेन्यू आता हुआ दिखाई दे जाएगा वो 50 50 रेलवे मिनिस्ट्री एज वेल एज यहाँ पर आई में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मैनुपुलेशन जो होनी थी ओके okay, वो मेनुपुलेशन जो यहाँ पर सॉरी मोनोपोली होनी थी वो मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट नहीं हो यहाँ पर लोग सोचने लगे कि मोनोपोली अब खत्म हो गई है क्योंकि तो फिफ्टी फिफ्टी रिवेन्यू जब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो वो उसका फायदा क्या है तो अगर हम बात करें इस वजह से ये शेयर यहाँ पर अच्छा खासा आज की डेट में करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया बट उसके बाद आज ही ये न्यूज आ गई की कि, कि ये इस तरीके से हम नहीं चलेंगे और यहाँ पर ये कैंसिल करते हुए दिखाई दिए इन्होंने सब चीज ये जो अपना डिसीजन था इन्होंने वापिस लेते हुए दिखाई दिए जो स्टेप था इन्होंने वापिस

क्यों है क्योंकि यहां पर कभी भी अब ओव आ, आ सकता है यहां पर जो ये जो स्टेप वापस लिया गया है ये स्टेप शायद ये जो डिसीजन लिया गया था ये डिसीजन शायद दोबारा यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रेलवे मिनिस्ट्री अगर रेलवे मिनिस्ट्री ने दोबारा ये स्टेप लिया तो उसके बाद यहाँ पर लोगों का विश्वास देखिए दूसरे पी एस से इसे अलग समझ रहे हैं बिल्कुल कि ये पी नहीं है बट यहाँ पर ये पी है कहीं ना कहीं ओके इंडियन रेलवे यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इंडिया ही गवर्नमेंट ही से करती है बट उन्होंने स्टेप बैक लिया है इस वजह से लिया है क्योंकि उन्हें अभी पैसे की जरूरत है और अगर पैसे यहाँ पर नहीं देंगे जो अब इसकी मार्केट वैल्यू थी

मत करिए और ये शेयर यहाँ पर नीचे आता हुआ में। तो यहाँ पर यहाँ पर सारा माल आप लोगों को चिपका के चले जाएंगे और आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा तो थोड़ा सा रियलिस्टिका मार्केट को थोड़ा सा समझिए वेलुएशन नाम की भी चीज होती है उस चीज को समझिए और यहाँ पर जो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे कि आईआरसीटीसी है मोनोपोली बिजनेस है ये सारा पैसा आएगा ये वो तो वो चीज़ नमज समझिए थोड़ा सा रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड से और स्टॉक मार्केट से यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए ताकि चीजें थोड़ा आप चीजें खरीदे तो एक अच्छे भाव पे खरीदे ताकि अच्छे भाव पे आप पर निकल सके तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए यही सारे लोग बता रहे यही बड़े बड़े लोग बता रहे हैं सब बड़े बड़े लोगों ने यहाँ हिस्सेदारी कम भी करी होगी इस चीज़ को भी याद रखिएगा और इस तरीके के डिसीजन कभी भी लिए जा सकते हैं और बीच में यहाँ पर दोबारा ओ भी आ सकता है और ओ जब भी आता है तो आप पता ही है और पे आता है दोबारा शेयर यहां पर गिर सकता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम में पर शेयर आपको शायद 500, 600 पे मिल सकता है तो थोड़ा सा पर वेट वेट पेशेंटली करिए और नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है मार्केट में फाइव हंड्रेड शेयर है और अच्छे अच्छे शेयर है वो अभी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ये नहीं कि सारा पैसा एक ग्री के डाल दिया तो एक चीज को इस चीज को समझिए और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी एक करेक्शन हो सकती है मंडे के बाद क्यों क्योंकि एक नवंबर यहाँ पर देखिए तो शायद मंडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग और यहाँ पर एक

चलेगी बाकी सब कुछ यहाँ पर अच्छे, अच्छे पैटर्न अच्छा है सब कुछ बेहतरीन नजर आता है बट यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर देखिए डीआईएस बेच के जा रहे हैं तो चीजों को समझने की कोशिश करिए और बाय डिप्स करने की कोशिश करिएगा चीजें जब नीचे आ जाए तब खरीदेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा